सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य है वो अपनी जगह पर, उसे आप बदल नहीं सकते, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और न ही आप उसे जान सकते। इस मनुष्य धारणा में आप सत्य को जान नहीं सकते। इस उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में आप इंसान बन गए, लेकिन आपने एकमेव सत्य को नहीं जाना। सत्य अनेक नहीं हो सकते। जब आप सत्य के प्रांगण में आ जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि सब लोग एक ही बात को सत्य मानेंगे। फिर किसी तरह का झगड़ा हो ही नहीं सकता, कोई उसमें वाद विवाद हो नहीं सकता। अगर सबको एक ही चीज दिखाई दे रही है और जानी जाती है, तब फिर ये जो अलग अलग तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, ये सब इकट्ठी समेट जाती। सबसे पहले तो मैं आपसे जो कुछ कहना चाहती हूं उस पर किसी तरह से भी आप अंधी श्रद्धा न रखें। कोई सी भी बात जो कही जाएगी उसको एक शास्त्रीय तरीके से देखा जाए। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, उनकी कोई शक्ति नहीं है, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि यह बड़ी अशास्त्रीय ढंग की बात है, घटिया बात है। क्योंकि अगर आपने अभी पता ही लगाया नहीं कि परमात्मा है या नहीं और आप ऐसे ही कहते रहे कि परमात्मा नहीं है, तो यह बड़ी अहंकार की बात है। कम से कम शास्त्रीयता से इसको पता लगा ले, अगर वो है तो फिर तो मानना होगा। इसी प्रकार जो कुछ भी आज आपके सामने मैं निवेदन कर रही हूं उसको आप पड़ताल लें, देख लें। अगर वो सिद्ध हो जाए तो एक ईमानदार इंसान के नाते आपको उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सत्य है इसी से हमारे सारे प्रश्न छूट जाए। आपका जो व्यक्तिगत पर्सनल जो प्रश्न है वो तो छूट ही जाएगा, किंतु आपके समाज का, आपके देश का, यहां तक कि सारे विश्व के प्रश्न छूट सकते हैं। इसका कारण यह है कि हम अपने अंदर की व्यवस्था को जानते नहीं कि परमात्मा ने हमारे अंदर कोई व्यवस्था बनाई है या नहीं। हम अपने को भी नहीं जानते। हाँ, कहने को हम कह सकते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी मोटर है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पर मेरा ये जिससे आ रहा है, ये मैं कौन, इस मैं को हम जानते नहीं। तीन चार किताबें पढ़ लेने पर सोचने लग जाते हैं कि हम बड़े जानकार हैं। किताब पढ़ने से जानना नहीं हो सकता, वो बुद्धि पुरस्सर है, बुद्धि में बैठता है। लेकिन बुद्धि से परे जो सत्य है उसको जानने के लिए आपको एक और छलांग मारनी है, और वो है आत्म साक्षात्कार।
क्योंकि सत्य यह है कि आप शरीर बुद्धि मन अहंकार आदि जो उपाधियां हैं वो नहीं है, इसी से आप परेशान और त्रस्त हैं कि आप उन्हीं को मैं समझे बैठे, किंतु आप शुद्ध आत्मा है। अभी तक ये कार्य विशेषता इस महाराष्ट्र में होता था, किंतु परंपरा ऐसी थी कि एक गुरु एक ही शिष्य को ये आशीर्वाद देता। सो इसी महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी जैसे बड़े महान संत हुए, उन्होंने अपने गुरु जो उनके भ्राता थे उनसे इजाजत मांगी, उनसे परमिशन मांगी कि किसी तरह से आप मुझे ये इजाजत दे दीजिए कि मैं जो अब ज्ञानेश्वरी लिख रहा हूं उसमें इसके बारे में लिखूं कि आत्मदर्शन कैसे होता। और उन्होंने अपने छठे अध्याय में बहुत साफ तरीके से कुंडलिनी का वर्णन किया, हालांकि कुंडलिनी का कार्य हजारों वर्ष से इस देश में होता है, लेकिन वह एक गुप्त तरह से था जो नाथ पंथियों ने चलाया। उन्होंने छठे अध्याय में लिखने के बाद जो धर्म मार्गदंड थे उनको तो कुंडलिनी के जागरण के बारे में या कुंडलिनी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो उन्होंने कहा यह चीज निषिद्ध। जब उन्होंने कहा कि ये चीज निषिद्ध है तो आम जनता जो है उसने सोचा कि भाई जो निषिद्ध चीज है उसे क्यों पढ़ा जाए, उसे क्यों जाना जाए। लेकिन उसके बाद 16वीं शताब्दी यहीं पर इसी महाराष्ट्र में अनेक साधु संत, हम लोग भूल गए उनको, उन्होंने यहां अपना खून सींचा और अनेक बार कुंडलिनी पर उन्होंने बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी, उनसे पूछा गया कि यह कुंडलिनी का जागरण कितनी देर में होता है, तो उन्होंने कहा तत्क्षण उसी क्षण होता है, किंतु लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। ये सारी बातें अब किताबों में रह गई और बाकी सब बेकार की बातें आज समाज में फैल रही हैं। वो इस तरह से फैल रही हैं जैसे कोई आग फैल, और हमारे समाज का सर्वनाश इसी फैलती हुई आग से होने वाला है, क्योंकि हमारे पास सत्य का दीप नहीं है, हम देख नहीं पाते कि कहाँ हम जा रहे हैं, हमारा रास्ता कौन सा है, हम किस मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं। विशेषकर विदेशी लोगों पर का असर स्वतंत्रता के बाद हमारे ऊपर बहुत जोरों में आ गया। पहले तो हम अंग्रेजों से लड़ते रहे, तब तक हमारी संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा रही और हमारे महान जितने भी नेता हुए उन्होंने भी उस संस्कृति का बड़ा मान रखा। आपको ये कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं होती कि भारतीय संस्कृति से बढ़ के संसार में कोई संस्कृति नहीं। इन बाहर के लोगों को म्लेच्छ कहा जाता था, ऐसा कहना है, जहां की एक बार ईसा मसीह कश्मीर में शालिवाहन राजा से मिले थे, शालिवाहन ने बाद में यहां भी राज्य किया, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो। ईसा मसीह ने कहा मेरा नाम है ईसा और मैं म्लेच्छों के देश से आया हूं, यही मेरा देश है, मुझे यही अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि राजा शालिवाहन ने कि भाई तुम उस जगह जाओ जहां म्लेच्छ रहते, यहां आकर तुम क्या काम कर सकोगे, तुम्हारा तो कार्य म्लेच्छों के बीच में है। और वो जब गए तब 3.5 साल बाद उनको क्रूस पे लटका दिया गया। म्लेच्छ का अर्थ है मल इच्छ, जिनकी इच्छा मल के ही ओर जाती है। भारतीय संस्कृति पवित्रता को मानती है, मनुष्य की पवित्रता अंदर बाहर होनी चाहिए, इस पवित्रता के सहारे ही
हमारा यहाँ का संसार चलता था और इसीलिए पवित्रता का आदर किया जाता था। जो मनुष्य अपवित्र है और जो मनुष्य गंदे काम सिखाता है, ऐसे आदमी को हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं था। तो ये मल की तरफ इच्छा जाने वाले जो लोग हैं, आज हम लोगों को क्या सिखाएंगे? इनके पास है ही क्या हमें देने के लिए? खुद अपना देखे तो पूरी तरह से इनका सर्वनाश होगा। आज मैं न जाने कितने देशों में घूमी, उनके अंदर जो बिल्कुल मूलतः जो पवित्रता का विचार होना चाहिए वो ही नहीं है, वो तो समझते ही नहीं। न जाने कैसी कैसी बातें वो निकालते हैं, छोटे बच्चों को मार डालते हैं, उनको पता नहीं क्या करते हैं, दुनिया भर के गंदगी मैंने नर्क से भी बदतर चीजें वो लोग करते हैं, उनसे हमें क्या सीखने का है? आजकल मैं देखती हूँ हर जगह हमारा भी वही हाल हो रहा है, हमारे बच्चे भी उनके तरह गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं। गंदगी तो उनके जीवन का लक्ष्य ही है और उसी ओर जाते हैं, और हजारों वर्ष से हमने इनको म्लेच्छ कहा, इनसे कुछ सीखने लायक भारतीय संस्कृति के और फिर से आप मुड़िए। इसका मतलब मैं नहीं कह रही कि कोई धार्मिकता का वो झंडा लेके चले हैं, कुछ नहीं। धर्म अपने अंदर होता है, जब तक वो जागरूक नहीं होता किसी भी धर्म का नाम लेने आप बिल्कुल व्यर्थ बात है। कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, वो हर तरह का पाप कर्म कर सकता है, उसको कोई धर्म रोकता है? कोई रोक नहीं सकता। पर जब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है तो आप स्वयं एक साधु हो जाते, एक संत हो जाते। उसके लिए घर द्वार छोड़ना ये इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब अंदर की महिमा है। इसीलिए जब हम अंदर के अंतरतम अपने सौंदर्य को जानते हैं, अपने गौरव को जानते हैं, तभी हम अपनी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। और उस आत्म के प्रकाश में जो कुछ गंदगी अपने आप छूट जाती है। आश्चर्य तो यह है कि ये म्लेच्छ लोग जहां मैं जाती हूं, ये आप लोगों से आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल से जितने ये नीचे गर्त में थे उतने ये ऊंचे उठ गए। पता नहीं कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आता कि लाखों के तादाद में इन्होंने आत्मदर्शन की इच्छा करी, जिन्होंने भगवान का नाम भी नहीं सुना, ऐसे रशियन लोग हजारों के तादाद। और उन्होंने मुझे जैसा पहचाना, मुझे आश्चर्य उनका भी होता है, क्योंकि मैं तो कोई सीधी सर हूं, मैं कुछ सींग लगा के नहीं घूमती हूं। लेकिन उन्होंने किसी भी दुष्ट गुरु को वहां टिकने नहीं दिया, सबको उठा भगाया, सिवाय मेरे वहां कोई नहीं जा सकता। आखिर उन लोगों के पास इतने सूझबूझ क्यों आई? उसकी बात यह है कि धर्म के नाम पे हमने भी कर्म कांड करके और आपसी द्वेष भाव करके और धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म माने प्रेम है, सत्य माने प्रेम है। जिससे आपको प्रेम होता है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, जो भी हो, माँ है, उसके सारी बातें आप जानते हैं ना, उसका सारा ज्ञान आपको हो जाता है। उसी प्रकार ये जो आत्मा का दर्शन है, इसमें आप समझते हैं कि आप प्रेम का सागर है और इस प्रेम के सागर में डूबने का जो मजा है, जो आनंद है, उस आनंद के उपभोग के बाद फिर आपसे नफरत नहीं होती, आप सबको माफ करते चलते हैं और नफरत अपनी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि पहले हम भारतीय संस्कृति की जो नींव है उसे समझें, और वो एक ही है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना। सारे धर्मों का भी यही कहना, कौन सा धर्म जो नहीं कहता है? आप अगर कुरान में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको वली पीर होना चाहिए। आप बाइबल में देखिए तो बिल्कुल सेल्फ नॉलेज की बात की है, Thou shalt know yourself। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने ये बात नहीं की कि आप अपने आत्मा का दर्शन पहले करें, तब फिर आपको परमात्मा का भी दर्शन हो सकता।
आत्मा का दर्शन करने के लिए जो विचित्र विचित्र बातें, कर्मकांडी बातें लोगों ने फैलाई हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। या ऐसा कहिए कि जिस सीढ़ी से आप गुजर रहे हैं वो सीढ़ी छोड़ के ही आप दालान में आ सकते हैं। तो इसलिए जो बहुत सी बेकार सी चीज है, उपास, हमारे यहां उपास की बीमारी, कितने मरतबा खाना खाते हुए पता नहीं, हमेशा उपास ही करते रहते बहुत, और सोचते रहते खाने की बात। फिर दूसरे ये कि अपने शरीर को कष्ट देना, हर तरह का कष्ट, और महीनों पैदल चल के कहीं जाना, और ये इस तरह से अपने पिता परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करना। कौन सा बाप चाहेगा कि अपने बच्चे इतना दुख उठाएं और मेरे पास पहुंचे? ऐसा कोई बाप आपने हिंदुस्तान में तो देखा नहीं होगा। विलायत की नहीं बात मैं कहती, पर हिंदुस्तान में ऐसा तो कोई बाप नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरा बच्चा जो हर तरह की आफतें उठाए और फिर मैं उससे मिलूंगा। इस तरह की बातें जो हमारे देश में हर बार, हर साल, हर युग में होती रही। सो नानक साहब ने साफ कहा है, सहज समाधि लागो। समाधि जो है सहज में मिलती है, सर के बल खड़े होने से, उपास करने से, दुनिया भर के कर्मकांड करने से नहीं, पर सहज में आपको समाधि लगती है। यही बात है। और सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ, ये योग का आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे तिलक ने कहा था, तिलक साहब बहुत साफ कहा था कि स्वातंत्र ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं कहूंगी कि स्वतंत्र को जानना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्व माने हमारी आत्मा, और उसके तंत्र को हमें जानना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। आप ये साधारण मनुष्य नहीं, जैसे समझ लीजिए एक छोटा टेलीविजन लेकर आप कहीं देहात में जंगल में चले जाएं और उनसे कहिए कि इसमें ये मूर्ति दिखाई देगी, वो मूर्ति दिखाई देगी, या कहिए कि इसमें आपको फिल्म दिखाई देगा, तो आप कहेंगे वाह वाह ये तो एक डब्बा है, इसमें क्या दिखाई देगा। देहाती तो नहीं समझ पाएंगे ना, लेकिन हम भी अपने को डब्बा ही समझते हैं। जिस वक्त ये कनेक्शन आपका उस विशेष परमात्मा की शक्ति से हो जाता है, तभी तो आप जान सकते हैं कि आप क्या है। तो दूसरा सत्य यह है कि इस सारे चराचर सृष्टि में एक महान शक्ति कार्य करती है, जिसे हम लोग परम चैतन्य कहते हैं, कोई रूह कहता है, कोई उसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव कहता है, चाहे उसे किसी भी नाम से कहे। जैसे पतंजलि में से रितंबरा प्रज्ञा का आप नाम उसे कुछ भी दीजिए, मतलब ये है कि वो एक महान शक्ति है, और ये शक्ति सारे जीवंत कार्य करती है। जैसे अब देखिए यहाँ इतने सारे फूल हैं, हम लोग सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है कि ये फूल एक बीज से निकले और तरह तरह के रंग और तरह तरह की खुशबू लेकर के संसार में आए। ये कैसे आए, ये कैसा चमत्कार घटित हुआ, किसी भी चीज के बारे में हम सोचते नहीं। यानी समझिए कि हमारा हृदय कौन चलाता है। अब डॉक्टर से पूछे तो वो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटो कौन है, ऑटो कौन है, उसका जवाब नहीं, क्योंकि हम बाहर से किसी चीज को देख रहे हैं, पर अगर अंदर से हम जाने तो हमारे अंदर अनेक शक्तियां ऐसी हैं जो हमने आज तक इस्तेमाल नहीं की। अब आत्म साक्षात्कार में क्या होता है ये बता देना जरूरी, हालांकि एक लेक्चर में सारी बात नहीं बता जा सके। सबसे पहले आपके अंदर एक शक्ति है जिसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें
छोटे छोटे जिसे हम लोग कुंडल कहते हैं सर्कुलर, वैसे 3.5 सर्कुलर कुंडलों से बनी हुई ये शक्ति, और इसको स्त्री का रूप हम मानते हैं। इसको हम स्त्री का रूप मानते हैं क्योंकि ये आदि शक्ति का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। अगर परमात्मा की शक्ति आदि शक्ति है, यानी उनकी इच्छा, उनकी शुद्ध इच्छा, उनकी जो इच्छा है वही अगर हमारे प्रतिबिंबित है तो वो कुंडलिनी स्वरूप है। ये शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में है जिसे मेडिकली वो लोग कहते हैं सेक्रम। सेक्रम का मतलब सेक्रेट, इसका मतलब कि ग्रीक लोग जिन्होंने नाम दिया है वो लोग जानते थे कि ये शक्ति हमारे अंदर सेक्रेट बोन में है। इतना ही नहीं, उनकी जो देवी है आदि शक्ति उसको वो अथीना कहते, अथ माने प्राइमोर्डियल, जो प्राइमोर्डियल मदर है उसका नाम अथीना रखा है। इतनी चीजें उनसे मिलती हैं, अगर आप कभी जाएं ग्रीस तो देखिएगा कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में ग्रीस के बारे में कितना कुछ लिखा गया। लेकिन ये सब होते हुए भी इसका ज्ञान आधा अधूरा ही लोगों में था, क्योंकि जो पाते थे वो प्यार के और आनंद के सागर में खो जाते थे। और लोग भी उस जमाने में ऐसे थे, इतने लोग कहां जो कि सत्य के खोज में आए। कबीर ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। वाकई में यह हालत थी, कोई जानना ही नहीं चाहता था, सब अपने अपने ज्ञान में खोए हुए, अपने अपने शान में खोए हुए, अपने को पता नहीं क्या समझते थे। और जो उन्होंने बात कही है आज वो बात नहीं। आज कलयुग के एक उपकार है कि बहुत खोज सत्य की सारे दुनिया में हो रही, हिंदुस्तान में कम है पर और जगह बहुत है। क्योंकि हम सोचते हैं बड़े धार्मिक है, सुबह से शाम तक हमने 2-4 भजन गाए हो गए, हम तो बड़े ही है। उससे आगे जाने की इच्छा कम। इस साल दूसरी बात है, पर इससे पहले तो मैं सोचती थी कि ये पूना है और शास्त्रों में इसको पुण्यपट्टनम कहते हैं, सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुण्यवान यही जगह है, लेकिन ऐसा देखती नहीं थी मैं। अब आश्चर्य होता है कि आप लोग इतने यहाँ आए हैं उस परम तत्व को पाने के लिए जिसके प्रकाश से आपका जीवन, सारे संसार का जीवन आलोकित हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी संसार के प्रश्न है वो अधिकतर मनुष्य के वजह से। हाँ, अभी किसी ने कहा कि तो फिर लातूर में भूकंप क्यों क्यों हुआ। यहां पर 3 साल मैंने भाषणों में कहा कि आपके यहां जरूर भूकंप होगा। उसकी वजह ये कि गणपति के उत्सव में गंदे गंदे गाने, विभत्स तरीके डांस, और सब उस गणेश जो की पवित्रता का प्रतीक रूप है आप लोग करते हैं, ये गणेश बहुत चाजल्यवान है। आप नहीं सोचे कि सिर्फ मट्टी का गणेश है, और एक दिन जब भड़केगा तो इस महाराष्ट्र में भूकंप आएगा और आने वाला है। और यहां 4 गणेश वर्तमान है, वो स्वयं हुआ है, स्वयं माने वाकई पृथ्वी से आए हुए, और आप उनमें जाके जब आत्म साक्षात्कार पे देखिएगा तो सब में से चैतन्य बहता। और वहां पर हमारे लोग गणपति की ऐसी विभत्स विटम बना करें सो गणपति नहीं सहन कर सकेंगे, वो बहुत जाज्वल्यवान है। और अब वही हुआ, एक लातूर ही ऐसा हमारा सेंटर था जहां मैं नहीं गई, और वहां पर ये बड़ा भारी भूकंप हुआ। बहुत दुख की बात है, क्योंकि चतुर्दशी के दिन के बाद गणपति विसर्जित करके
सब लोग आए और शराब पी के नंग धुड़ंग होके नाच रहे थे और सब गड़प हो गए। और दूसरी आश्चर्य की बात है, आप पता करें कि एक भी सहयोगी के घर में जरा सी भी कोई ऐसी लकीर भी नहीं आई और एक भी सहयोगी मरा नहीं। अब आप कहेंगे कि मां ये कैसे आप जाके पता करें? जिस भगवान को आप बहुत मानते हैं, अब यहां भी मैंने देखा कि क्रीड़ा नगरी में गणपति वगैरह बनाए, सब कुछ किया, उनकी इज्जत तो करना जानते नहीं। क्या उनकी मूर्ति बना देने से या देखे ऐसे नमस्कार करने से हो जाता है? अगर आप वाकई गणेश जी को मानते हैं तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आपके अंदर पवित्रता आनी चाहिए। वो चिर बालक, और गणपति का विशेष आशीर्वाद इस महाराष्ट्र में, शराब तो इतनी महाराष्ट्र में चल पड़ी है कि रास्ते में आप देखिए, अगर किसी गांव में जा रहे हैं तो रास्ते पर लोग खटमल के जैसे पड़े हुए हैं शराब पी करके। शर्म आनी चाहिए। इतनी शराब जो महाराष्ट्र में आ गई, मैंने तो सोचा था मैं महाराष्ट्र में प्रोग्राम ही नहीं करूं। औरतें आदमी सब बेशरम जैसे शराब पीते हैं, और इसका परिणाम जो होगा वो मैं जानती हूं, बहुत भयंकर। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप पी नहीं सकते। आप कोशिश कर लीजिए, आप पी नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी से कहे शराब मत पियो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे, अरे ये कैसे कहा, हमारा तो सारा ही मजा करके किरकिरा हो, हम कैसे रहेंगे बगैर शराब के, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही आफत आ गई। लेकिन आपको हैरानी है कि एक बार सहज के गली में आ जाओ फिर आप शराब की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना ही आनंद आत्मा का इतना ज्यादा और सुखद है कि फिर कौन शराब पीने चला, अपने आप छूट जाए। ये सारी आते हमारे यहां इंग्लैंड में वगैरह बहुत से लोग आए थे, सब ड्रग एडिक्ट्स, उनकी ड्रग्स एक रात में छूट गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सही बात, एक रात में उनकी छूट गई। वो चाहे कुछ उस पर सोचे या न सोचे, दूसरे दिन से वो पी ही नहीं सके, क्योंकि क्या होता है, अगर समझ लीजिए मैं एक जिद्दी औरत हूं और किसी को सुनती नहीं, अधिकतर आजकल ऐसे ही लोग हैं, हाथ में मेरे सांप और सांप को पकड़े हुए जोर से, और किसी ने बताया कि आपके हाथ में सांप है आपको काटेगा, जब तक काटेगा नहीं मैं सुनने नहीं वाली कि ये सांप है, मैंने नहीं भाई ये तो गोरी, अंधे है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए और दिखाई दे कि मेरे हाथ में सांप है तो फौरन छोड़ दूं। इसी प्रकार ये सब नाशवान चीजें, भगवान ने आपको इस संसार में अपना नाश करने के लिए नहीं बनाया है। कम से कम मुक्ता से आप अपनी नाक कान काटो तो उसे कौन क्या कर सकता, लेकिन भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया, उन्होंने बनाया है कि उनके साम्राज्य में आओ और आनंद से विराजमान और शहंशाह जैसे। आपकी सारी विपत्तियां और तकलीफें इन चक्रों की वजह से। मैंने पहले ही कहा कि लोग कहते हैं कि वहां क्यों भूकंप हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके चक्र खराब है। आपके चक्र अगर ठीक हो जाए जिस पे आप आधारित, आप ठीक हो जाएंगे और दूसरे भी ठीक हो सकते। इस तरह से अगर बहुजन ऐसा समाज हो जाए कि जो सब आत्म साक्षात्कारी हो, जिसके अंदर आत्मा का प्रकाश हो, तो दुनिया ही बदल जाए। आप देखिए एक साक्षात्कारी आदमी के हाथ का जो चैतन्य है उससे आपके यहां के जो बड़ी समस्या खाने पीने की है वो बहुत आसानी से सुलझ सकती है। कैसे कि इस चैतन्य से आपका
जो एग्रीकल्चर है, खेती का जो व्यवहार है, सो आपकी खेती कभी कभी 10 गुना हो जाएगी और नॉन हाइब्रिड सीड से भी आप खेती कर सकें। हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके और हमारे यहाँ एक सूर्य फूल बनाया, वो 2 फुट बड़ा था, 2 फुट उसकी सर्कम्फेरेंस नहीं, उसकी डायमीटर 2 फुट। और उसको देख करके फिर पेपर वालों ने भी छापा, कलेक्टर इम्बाई ने भी माना, पर बस खत्म, उसके बाद कोई आया नहीं। अरे 1-2 पैसा भी नहीं उसके लिए खर्च करना, आपकी खेती बढ़ सकती है, आपकी हिंदुस्तानी गाय दूध दे सकती है, और इन दूसरे गायों से तो दूध पीना ही नहीं चाहिए, आप इन लोगों जैसे पगला जाएंगे, जैसे विदेश के लोगों को कोई रास्ता नहीं मालूम कहाँ चलना है और कहाँ नहीं जाना, उसी तरह आप भी हो जाएंगे। इन गायों के तो दूध पीने ही नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ही गाय का दूध इतना बढ़ जाता है। और अब तो महाराष्ट्र में इतना दूध बढ़ गया है कि मैंने सुना कि दूध को वो समुद्र में फेंक दे रहे, इतना तो आपके यहाँ दूध आ गया। और तो भी आश्चर्य की बात यह है कि लोग सहज के गौर नहीं आते, जो आसानी से आप प्राप्त कर सकते, इसमें कोई हम आपसे पैसा नहीं लेते, नहीं आपको कोई पैसा देना है, इसका पैसे से क्या मतलब हो सकता है? परमात्मा को क्या पैसा और आपके बैंक वगैरह मालूम है क्या? ये तो आपका सर दर्द है। आपको जब आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले आप समझते हैं कि आपके हाथ में चैतन्य की लहरियां बैठी। कुरान में लिखा है कि जब कियाम आएगा, जब तुम्हारा ऐसा समय आएगा कि पूरी तरह से आदमी बदल जाएगा, यही कियामा, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, ये मोहम्मद साहब ने लिखा है, और आपके खिलाफ शहादत देंगे, ये मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ। लेकिन कितने मुसलमान सहज में आएंगे या कितने हिंदू सहज में आएंगे, ये परमात्मा जानता है। उससे तो रशियन अच्छे, इन्होंने कभी कोई धर्म नहीं जाना, कभी भगवान नहीं जाना, कभी कृष्ण को नहीं जाना, राम को नहीं जाना, वो खट से सहज में आ गए और जम गए, सबके सब जम गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनमें जड़वाद नहीं है, मटेरियलिज्म नहीं है। हमारे यहां तो जड़वाद ही भी खा गया, उसमें तरह तरह की गंदगियां आती है। आज जड़वाद ने हमारे देश को भी जकड़ लिया। मैं मानती हूं कि संसार में जो आप रह रहे हैं, आपको जीने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सहज में आते ही आपके सामने लक्ष्मी खड़ी। लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप समझना चाहिए, वो शराबियों के पास नहीं आती और जुगारियों के पास भी नहीं आती, और जो बदतमीज इंसान होते हैं उनके पास भी नहीं आती। आपको अगर आप लक्ष्मीपति हैं तो दिखाई देगा कि आप लक्ष्मीपति, एक तबीयत बदल जाती, और वो तबीयत कंजूसीपना और दूसरों को नीचे दिखाना छोड़ करके एक बहुत ही उदार उदात ऐसी एक हस्ती, एक पर्सनालिटी बन जाती, और उसका जो मजा है वो हजारों चीजें होने पर भी नहीं। फिर आप कला को समझते हैं, आप गरीबों को समझते हैं, आप सब चीज को समझते हैं, और उनके लिए क्या भला है ये भी सोचते, एक दूसरा ही जीवन शुरू हो जाता है, और आपका जीवन भी खुशहाल रहता है, आपके घर में भी सौख्य रहता है। अब एक बात है, हम लोग शांति की बहुत बात करते हैं, आजकल तो बहुतों को शांति का अवार्ड भी मिलता है। अब इन लोगों को भी मैं जानती हूँ, कुछ मेरा नसीब ऐसा है कि ऐसे भी लोग बहुत मिलते हैं मुझे, उनके शांति कहां से होगी? वो तो इतने गुस्सेले लोग हैं कि उनसे आप बात नहीं कर सकते,
उनके पास जाइए तो बीच में कुछ डंडा वंडा लेके जाइए, नहीं तो आप पे कब बिगड़े पता नहीं, और इनको शांति के अवार्ड मिलते। जिसके अंदर शांति नहीं वो कौन सी शांति बाहर दे सकता है बताइए। आपके शांति का स्थान अंदर है, तो कुंडलिनी के जागरण के वक्त उस स्थान पर, उस मौके पर आप पहुंच जाते, वो आपका मुकाम जहां आप शांत हो जाते हैं। इस प्रकार की एक विचार उठ के गिर जाए, दूसरा विचार उठकर गिर जाए, आप हर समय नाचते रहते हैं, या तो भविष्य की ओर और या तो भूतकाल के, सब विचार वहीं से आते। वर्तमान में आप खड़े नहीं हो सकते, अगर आपसे कहा जाए इस वक्त आप वर्तमान में खड़े हो, खड़े नहीं हो सकते, आपका चित्त फौरन आगे जाएगा या पीछे जाएगा, इस क्षण आप वर्तमान में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार हट के लंबे हो जाते हैं और बीच की जो जगह है वहां आप स्थित हो जाते हैं। यही शांति का स्थान जहां आप निर्विचार हो जाते हैं। तो पहली स्थिति है जिसमें आप निर्विचार समाधि को प्राप्त करते हैं सहज में, लेकिन निर्विचार होते हुए भी आप समाधि माने पूरे सतर्क, ये नहीं कि उस वक्त आप बेहोश, पूरी तरह से होश बढ़ गया, हर चीज नई तरीके से दिखाई देने लगती, यह स्थिति पहले आती है। और जब यह कनेक्शन आपका पक्का हो जाता है इस सर्वव्यापी शक्ति के साथ पूरी तरह से, तब आपको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। और इससे आप दुर्बल नहीं सबल हो जाते, क्योंकि आपकी शारीरिक जो कुछ भी व्यथाएं हैं वो ठीक हो जाती है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो लोग एक बार सहज में आए वो बीमारी से छुटकारा पा गए और बाद में बीमार नहीं हुए, ये बात बिल्कुल सही। और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका इलाज डॉक्टर लोग कर ही नहीं सकते, इसका मतलब नहीं है कि सब डॉक्टरों के पेट पर पैर आएगा, ये कभी नहीं, क्योंकि अधिकतर जो रईस लोग होते हैं बहुत ज्यादा, वो डॉक्टरों के ही पास जाएंगे ना, उनके पास पैसा होता है तो वो डॉक्टर खरीद सकते हैं, मुझे तो खरीद नहीं सकते। लेकिन कुछ रईस लोग भी आते हैं, मानसिक स्थिति बहुत लोगों को खराब है। आजकल एक बीमारी चली है स्ट्रेस, जो देखो उसे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आप जब कार्यान्वित होते हैं तो आपके अंदर अहम भाव बढ़ता है और वो सर पे छा जाता है एक शिरस्त्राण जैसी यहां पर। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो इस ब्रह्मरंध्र को छेद देती है और मानो एक छेद सा, जिसमें से आपकी सारी परेशानियां, आपका सारा स्ट्रेस निकल जाता है और आप महसूस कर सकते हैं कि आपके सर के अंदर से ही ठंडी ठंडी हवा आ रही, उसमें शंका करने कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये सब हैं, ये आप ही की शक्ति है, आप ही के अंदर से ही जागृत हुई और आप ही को इसने आशीर्वादित किया। समझ लीजिए कि आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ है, आपके बारे में सब जानती है, जैसे टेप रिकॉर्ड होता है ऐसे इसने अपने अंदर सब आपके बारे में जान रखा और वही आपको पुनर्जन्म देती है और आपका दूसरा जन्म होता है जिसके लिए वो लालायित। इसमें हमारा आपका कोई लेना देना नहीं पड़ेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि आपकी शक्ति है। अब समझ लीजिए कि एक दीप जला हुआ और उसने अनेक दीप जला दिए, तो उसमें उस दीप का क्या लेना देना बना रहा? इसलिए इसमें कोई भी आभार किसी के मानने की बात नहीं है, उल्टे हमें आपके आभार मानने हैं कि आप लोग आए और अपने आत्म साक्षात्कार के इच्छा से यहाँ बैठे रहे। इतने देर कोई बैठते भी नहीं लोग आजकल को, तो पता नहीं क्या आदत लग गई है कि वो आराम से इतनी देर शांति से बैठते भी नहीं।
बहरहाल जो भी हो, यह आपका अपना अधिकार है। और फिर सबसे बड़ी बात जो होती है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब यह है कि आप एक बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं। आपके हाथों में अनेक शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं। आप भी लोगों को पार करा सकते हैं और आप भी लोगों को रियलाइजेशन दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ रुपया खर्च करें या कुछ करें। सिर्फ एक बात है कि थोड़ी नम्रता जरूर होनी चाहिए। अब हमारे जो जहां पर ये लोग प्रोग्राम वगैरह करते हैं, बहुत सर्वसाधारण तरह की जगह है। उसमें क्योंकि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं ना, उसमें जैसे भी है बहुत विद्वान लोग हैं और आपको सब बता देंगे कि आपके अंदर चक्र कैसे हैं और वो चक्रों की शुद्धता कैसी करनी है और आप किस तरह से इसको पा करके दूसरों के चक्रों पर चक्र सकते। तो आपका जो नया आयाम आता है उसे कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। माने आपके हाथ पर आप महसूस कर सकते हैं अपने चक्र, और अपने ही हाथ पर आप दूसरों के चक्र भी महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि हम अपने चक्र कैसे ठीक करें और हम दूसरों के चक्र कैसे ठीक करें, बस हो गया। एक महीने में आप अपने गुरु हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज ठीक है और कौन सी नहीं। समझ नहीं जाते, ये आपके अंदर ये बैठ जाता है। जैसे कोई चीज है वो ठंडी है कि गर्म है, ये आपके नस नस में आप जानते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जानते हैं। इसी प्रकार आप जान सकते हैं। सत्य को आप अपने उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे जान सकते हैं। ये आपके अंदर सब बना हुआ है। जैसे एक ये बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो ये बेकार है। इसी प्रकार आपकी भी कोई विशेष हस्ती नहीं है, पर जब उस परम चैतन्य की शक्ति से एकाकारिता साध्य होती है, तब आश्चर्यचकित आप होंगे कि आप हैं क्या। आपको अपने बारे में कुछ कल्पना ही नहीं है। और उस बार जो आपको एक चैन, शांति, यहां तक ऐसा आदमी बहुत कार्यशील हो जाता है, डायनामिक, और उसी वक्त वो बहुत ज्यादा भी प्रेमी, मोहब्बती, कंपैशनेट हो जाता है। उसके आगे सिर्फ एक ही बात रहती है कि मैं किस तरह से सबका भला कर सकूं। बड़ा आनंद। इसके लिए कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मां आपकी किताब दे दो, मत पढ़ो। एकांत पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और उसको पूरी तरह से जमा लो, एस्टैब्लिश करो, उसके बाद पढ़ो। कबीर दास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। इस पूना में ही मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, औरों की क्या कहूं। जैसे दादा पढ़े हैं, इतने बुद्धिवादी हैं कि उनसे आप बात ही नहीं कर सकते। वो कुछ बोलिए वो किताबी बताने लगता है, भाई तुमने कुछ लिखा है, तुम्हारा कोई विचार है कि तुम इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। लेकिन जो चीज आपके भले के लिए, जो आपके हित के लिए है, बेनेवोलेंस के लिए है, उसको उससे क्यों मुंह मोड़ा जाए, उसको क्यों न पा लिया जाए, ये मेरी समझ में नहीं आता था। पर अब देखती हूं कि लोग समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो किसी न किसी विशेष रूप के लिए बनी हुई। इसलिए नहीं कि पैदा हो और बच्चे पैदा करो और उसके बाद इंश्योरेंस करो और मर जाओ, इसके लिए नहीं। इसे कहीं अधिक हमारी जिंदगी का मूल्य है, और उस मूल्य को हमें प्राप्त करना। मराठी में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, जो जो भाषाएं आती, लेकिन ये लेक्चर भी
جو ہے ایک طرح سے دماغی جمع خرچ. جب تک آپ اس پرم تتو کو پراپت نہیں کرتے تب تک سب بیکار. اس لیے آپ اپنے اندر یہ اچھا رکھیں, شدھ اچھا اس وقت رکھیں. ایک ہی ہے شدھ اچھا, باقی تو اشدھ ہے. کیونکہ کوئی سی بھی اچھا کرو, آج کسی نے اچھا کری کہ میں ایک موٹر خریدی موٹر, کچھ نہیں, پھر مجھے گھر چاہیے, پھر گھر مل گیا تو مجھے ایروپلین چاہیے, ایروپلین نہیں تو فلانا چاہیے, وہ انت ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب آپ کی جو اچھا تھی تھی نہیں, وہ آپ کی اچھا ہی پوری نہیں ہوتی. اکنامکس میں کہا جاتا ہے نا کہ وانٹس آر ناٹ سیشیبل ان جنرل, وہی بات ہے. تو وہ کون سی وانٹ ہے, وہ کون سی ڈیزائر ہے جو سنتوشت ہوتی ہے, وہ شدھ اچھا اس پرم چیتنیہ سے ہماری ایکاکاریتا سادھیہ. اور پھر اس کے بعد سوئم آپ دیکھیے گا کہ جسے ہم چمتکار کہتے ہیں, ہزاروں چمتکار ہوں گے. اور آپ مجھے لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ماں یہ ہو گیا, پھر ایسا ہو رہا تھا تو میں پتہ نہیں کیسے میں بچ گیا, پھر ایسا ہوا, پھر ویسا ہوا. یعنی اتنا لکھا ہے لوگوں نے. پہلے ہم نے سوچا تھا چلو کتاب ہی چھاپ دیں, تو اب وہ کتاب کے اس کے تو والیومز چھاپنے پڑیں گے. میں نے کہا چھوڑو, کاہے کو چھاپنا, لوگوں کو انوبھو ہی کرنے دو اس کو کہ آپ کتنے سندر ہیں, آپ کتنے گوروشالی اور آپ کی کتنی وشیشتا ہیں. اس کو خود ہی جانا. جب تک آپ نے اپنے انترتم کو جانا نہیں اور جب تک باہیہ سے ہی اس کو جانتے رہے تب تک آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اور اس کے لیے آپ کو خاص کچھ کرنا نہیں, کیونکہ اس پوتر بھومی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہندوستان میں جاگرتی دینا بہت آسان ہے میرے لیے, پر لوگ آتے ہیں. اور باہر مشکل ہے, میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں ان کو جاگرتی دیتے دیتے, گھنٹوں تک محنت کرنی پڑتی ہے, پر وہاں لوگ آتے ہیں. دانت ہے تو چنے ہیں اور چنے ہیں تو دانت نہیں. اور باہر کے جو لوگ ہیں وہ ایسے جمتے ہیں, ایسے جمتے ہیں, ایک بار پار ہو گئے تو جمتے ہیں اس میں. پر یہاں دیکھیے گا آپ, ابھی آپ 50,000 آئے چاہے جتنے بھی آئے, بعد میں سینٹر میں 4 آدمی پہنچے. یہ ہوا کیا؟ وہی بات جو عیسیٰ مسیح نے کہی تھی کہ کچھ بیج ہیں وہ انکرت ہوئے پر وہ پہاڑوں پہ پڑے اور سڑ گئے. وہی حالت, انکرت ہونے پر ورکش ہونا ہی چاہیے. آپ جتنی اپنی عزت کریں گے, اپنے آتما ساکشاتکار کا انوبھو گہرائی سے پانا چاہیں گے, اتنی ہی آپ کی بدھی ہوئے گی اور آپ کے سارے لابھ ہو سکتے ہیں. اور ہم اپنے بھارت ورش کو بھی ایک دم بہت سندر سا ایک آدرش جو لوگوں نے سوچا تھا ایسی حالت میں پا سکتے ہیں. ساری دنیا اس بھارت ورش کے چرنوں میں آئے گی, کیونکہ وہ ایک ورکش کی طرح باہر بہت بڑھ گئے لیکن ان کی جڑیں بہت کمزور ہیں. اور اس جڑوں کا جو آدھار ہے وہ ہمارے اس بھارت ورش میں, وشیش کر اپنے مہاراشٹر میں. اور اس کو پانا, اس کو پراپت کرنا بھی بہت سچ سچ. صرف پھر سے کہوں گی کہ ایک شدھ اچھا رکھیں اور اسی شدھ اچھا کے سہارے آپ اسے پراپت کر سکتے. اس کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں. صرف اس میں یہ جان لینا چاہیے کہ پورن آتم وشواس رکھے کہ ہم اسے پراپت کر سکتے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے پا سکتے ہیں اور ہم تو پاپی ہیں اور یہ وہ. اس وقت آپ کوئی پاپی واپی نہیں ہے. اس کھن اپنا جو کچھ بھی بھوت کال ہے, پاسٹ ہے, اسے ایک دم بلا دیجیے. اس وقت آپ کو پراپت ہونا ہے وہ چیز جس کے لیے آپ اس سنسار میں آئے. اور یہ سب دھارنائیں دماغ سے نکالیں جو آپ کو سمجھاتے کہ آپ پاپی ہیں وغیرہ. سوچ لیجئے وہی پاپی ہوئیں گے. آپ کو اپنے پرتی گورو اور آدر ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو, کچھ بھی کیا ہو, آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ پرم چیتنیہ جو ہے یہ
क्षमा का सागर है। सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर है। ऐसे तो ये ज्ञान का सागर है, ऐसे ये प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर। और इसलिए आपका कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है जो एक क्षमा नहीं कर सकते और अपने अंदर पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप कृपया ये जान लीजिए कि अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त रहना चाहिए इस वक्त। और जो और भी आसान चीज है वो है कि आप सबको एक साथ क्षमा कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं क्षमा करना बड़ा कठिन है, पर सोचिए कि आप क्षमा करते हैं तब आप करते क्या है? कुछ भी नहीं करते। क्षमा करते वक्त आप क्या करते? कुछ भी नहीं करते। और नहीं कर क्षमा नहीं करते तो भी कुछ नहीं करते। पर जब आप क्षमा नहीं करते तब दूसरों के हाथ खेलते, गलत लोगों के हाथ खेलते, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्होंने आपको दुख दिया और आप अपने को दुख देते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इसलिए अगर आप अभी सबको एक साथ क्षमा करें, उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, कोई सोचने की जरूरत है, ऐसे ही क्षमा करते, क्षमा करते ही आप देखेंगे अभी बड़ा हल्कापन हो जाए। सबको एक साथ क्षमा करते, क्योंकि जो आज्ञा का चक्र है ना ये बहुत संकीर्ण है और इसके अंदर से कुंडलिनी को निकलने के लिए चाहिए कि वो जरा सा खुल जाए, वो क्षमा करने से खुल जाएगा। अपने को किसी चीज में दोषी नहीं समझना चाहिए। अब ये अंग्रेजी तरीका है उठे सुठे सॉरी सॉरी सॉरी। आजकल पहले हम लोग तो जब छोटे थे, मतलब हम तो बहुत उम्र है हमारी, तो हम लोग तो आए बेगी और पार्ट नहीं करते थे, तो आजकल सॉरी भाई सॉरी का के लिए सुबह उठो तो सॉरी, शाम को उठो तो सॉरी, हर चीज में सॉरी कहें। अपने को किसी चीज के लिए दोषी समझना, छोटी छोटी चीज में। अंग्रेजी तबीयत ऐसी होती कि अगर आपने चम्मच को उल्टा पकड़ लिया तो हो गया, आप काम से गए। ऐसे ही विचित्र लोगों को क्या कहना चाहिए? अरे भाई कोई किसी को मार डाले या कुछ करे तो ठीक है, उसी पे वो रात दिन रोते रहेंगे कि अरे मैंने तो चम्मच उल्टा पकड़ लिया था, तो क्या होगा? ऐसी जो संस्कृति है उथली बिल्कुल, कि चम्मच कैसे पकड़ते हैं आप और कप कैसे पकड़ते हैं और खाना आप कैसे खाते हैं, अरे इसमें रखा क्या? ऐसी उथली संस्कृति के लोग जो है वो अपने को बहुत दोषी समझते हैं। हिंदुस्तानी कम है ऐसे, तो उनका ये चक्र पकड़ता, और जब ये चक्र पकड़ता है तो इससे अनेक बीमारियां हो सकती है। तो स्पॉन्डिलाइटिस नाम की जो बीमारी है जिसमें हड्डियां हिल जाती हैं, या अंजाइना नाम की बीमारी है। जो लोग अपने को सोचते हैं कि मैं बड़ा दोषी हूं और बात बात में सॉरी करते, ऐसे लोगों का ये पकड़ा जाता है। और इससे आगे चल के हो सकता है कि सारे आपके जो शरीर के अवयव है वगैरह वो भी सब लिथार्जिक हो जाए, इसलिए वो भी आलसी हो जाते हैं। इसलिए काहे को बेकार में अपने को दोष देते बैठना, आप में कोई दोष नहीं। जैसे भी है परमात्मा को प्यारे, उन्होंने आपको बनाया, वही जान ले जो कुछ भी दोष है या निर्दोष है वही जान ले। आप क्यों अपना कायदा कानून चलाते हैं, अपना न्याय देते हैं, अपना जजमेंट करते हैं, उनको करने दीजिए, और नहीं तो कुंडलिनी है वो अपना जजमेंट दे देगी, पर आप अपने को दोष मत दीजिए। बस यही तीन बातें मुझे आपसे कहनी है। अगर आपने ये तीन बातें अभी कर ली मेरी बात मान करके कृपया, तो आपकी कुंडलिनी फौरन जागृत हो जाएगी। चौथी बात यह है कि आत्म साक्षात्कार के बाद हम पूरी तरह से इसमें अपने को ढालेंगे और अपना हम इस परम चैतन्य का जो भी योग हुआ है उसको स्थापित करेंगे, ऐसा वचन ही देना पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा काम कभी भी फायदा नहीं करेगा। फिर 10 दिन बाद आप आके पहुंचेंगे कि माँ मुझे ये बीमारी हो गई, फिर उसके बाद आएंगे माँ मुझे वो हो गया, तो रात दिन जैसे धोबन कपड़े धोती है ऐसे मैं भी आपकी रोज सफाई करती फिरूं, ये ठीक नहीं।
इसलिए आज ही निश्चय कर लें कि हम इसको गहरे उतरेंगे, अपने को पूरी तरह से पाएंगे और हम अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। क्योंकि मैंने कहा है कि परदेश में जो हुआ है वो एक शुष्क पेड़ की तरह बढ़ रहे हैं और उसका पानी इस देश में है, यहां आपके पास, इसे आप प्राप्त करें। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब इसमें बहुत, मैंने आपसे कहा कि आप जहां बैठे हुए हैं यही पुण्यभूमि, क्या बताऊं मैं आपको, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा देश एक योग भूमि है। किसी को समझता नहीं, इसलिए कि वो अभी अध्यात्म में उतरे नहीं। परदेश से जो यहां आते हैं लोग हमारे पास, वो प्लेन से उतरते ही जमीन को चूमते हैं नमस्कार। इसी योग भूमि में हमें योग प्राप्त हो, इतनी इज्जत वो करते हैं इस देश की। और सारे तरफ चैतन्य है, पता नहीं आपको दिखाई देता है कि नहीं, सब दूर प्रकाश आकाश में आप देखें, सारे दूर चैतन्य फैला। इसका पूरा फायदा मैंने उठाया है और आप लोग भी उठाइए, क्योंकि ये हम सबके हित के लिए, सबके भलाई के लिए। अब एक बात और है कि किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती, जिनको सहयोग करना है वो करें और जिसको नहीं करना है वो जाए, क्योंकि ये समय ऐसा आया हुआ है जिसको कि कहते हैं लास्ट जजमेंट। अब जिसको चाहिए कि वो परमात्मा की ओर जाए उनके लिए ठीक है, और जो नहीं चाहते उनके लिए भी ठीक है, किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है उसका मैं मान रखती हूं। और उसके लिए आप अगर नहीं चाहते तो बेहतर है कि आप लोग तशरीफ बाहर ले जाए। इसके लिए कोशिश करने से भी नहीं होगा, और बड़े घोड़े पे सवार आए हैं उनको नहीं मैं पार कर सकती, माफ करें, सिर्फ वही लोग पार होंगे जो जानते हैं नम्रता पूर्वक कि हमें अपने आत्मदर्शन को प्राप्त करना। सो आप सबसे ये विनती है कि जो लोग नहीं चाहते वो कृपया यहां से बाहर चले जाएं तो अच्छा होगा, और जो लोग खड़े हैं वो कृपया बैठ जाए, इस जमीन का फायदा उठाना चाहिए। बस हो गया, ये काम सिर्फ 10 मिनट का है, और 10 मिनट के लिए आप शांति से बैठे। जिस वक्त लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर रहे हैं उस वक्त आप लोग कृपया उनको डिस्टर्ब नहीं करें। सगले बसू गया, कुठे बसले असल तरी चाले, कुठे असल तरी कार्य हुई, आपके पैर में अगर जूते हो तो उसे उतार दें और दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें जो कुर्सियों पर बैठे, और जो जमीन पर बैठे हो सिर्फ जूते उतार दें। पायतले पहाड़ा वगैरह काढ़ून ठेवा, जोड़े काढ़ून ठेवा। आणि जमलं तर टोपाई काढा, आई समोर कशाला टोपी पाहिजे, मी काय मिनिस्टर बिनिस्टर नाही आहे। आईचा हात नेहमी डोक्यावर असतो, कारण ब्रह्मरंध्र छेदायचं आहे ना।
दोनों पैर अलग अलग रखिएगा, क्योंकि ये दो शक्तियां हैं लेफ्ट एंड राइट, जिसके बारे में आप बाद में जान जाइएगा पूरी तरह से। अभी जो है दोनों पैर अलग अलग रखिए, लोग जो लोग कुर्सियों पे बैठे। अब दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें, चश्मे भी उतार दीजिए क्योंकि अब आंख बंद हो जाएगी आपकी, तो कोई जरूरत नहीं। दोनों हाथ ऐसे करें, अब सर झुका लें थोड़ा और हमारी ओर लेफ्ट हैंड करें, डावा हाथ माझ्याकडे करा, मान थोडीशी वाकून घ्या आणि डावा हात माझ्याकडे और आंख बंद कर लें, थोड़े मिटा। अब राइट हैंड तालू के ऊपर रख के देखिए, तालू और क्या वोर म्हणजे अधांतरी डोक्यावर नाही, टाळीवर अधांतरी करायचं। अब देखिए कि आपके सर में से तालू पर से कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही होगी, अगर आपने माफ नहीं किया तो गर्म आ रही होगी, माफ कर दीजिए, ठंडी या गर्म हवा। आदि शंकराचार्य ने कहा है सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी, किंतु गर्म भी आ रही है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब फिर से राइट हैंड मेरी ओर करें, गर्दन झुकाएं और लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर से तालू से ठंडी या गर्म हवा आ रही क्या। किसी किसी को बहुत नजदीक आती है और किसी को दूर, और आप अगर हाथ घुमा के देख ले तो आप महसूस कर सकते। उजवा हाथ माझ्याकडे करायचा आणि डावा हाथ डोक्यावर अधांतरी करायचा, मान वाकून घ्या आणि बघा थंड किंवा अशी गरम हवा डोक्यातून येते का। जर तुम्ही क्षमा नसेल केली तर गरम येणार, पण जर क्षमा केली आता तर थंड यायला सुरुवात होईल। अधांतरी धरा, डोक्यावर नको, टाळू कुठे माहिती ना, बरोबर टाळूच्या तिथे अशी फिरवून बघा, कुणाला जवळ येते कुणाला दूरवर। आता डावा हात माझ्याकडे, लेफ्ट हँड मेरे तौर करे और फिर सर झुका ले। अब राइट हँड से देखे ठंडी हवा आ रही या गर्म हवा, बिल्कुल सर के ऊपर नहीं पकड़ना है, अधांतरी माने उससे दूर, सर से दूर तालू पर, कॉन्टिनेल बोन एरिया जिसे कहते हैं वहां पर, और देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है या नहीं। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर करें और मन में एक प्रश्न पूछे, आप मुझे मां कहें या श्री माता जी, मां ये क्या परम चैतन्य है? ये प्रश्न तीन बार आप पूछे, क्या मां ये परम चैतन्य है? अगर आप ईसाई हो तो पूछे मदर इज दिस द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, आप मुसलमान है तो पूछे क्या यही रूह है, तीन बार पूछे। अब हाथ नीचे करें, दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें और मेरी ओर देखें, निर्विचार होकर आप हो सकते हैं निर्विचार। Thank you.
अब जिन लोगों के उंगलियों में या हाथों में या ब्रह्मरंध्र से जिसे आप तालु कहते हैं ठंडी या गर्म हवा रही, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह वाह, ये तुमची पुण्याई, ये पुण्य पट्टनम की भी पुण्याई। और देखिए कि सारा पूना पार हो गया, और क्या चाहिए। आप सब संतों को मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार, अनंत बार नमस्कार। सगले पार चले, हाँ हाथ पीछे कर लीजिए। अब और क्या कहें, बस इतना ही कि इससे आगे जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि तो किसी किसी को तो ऐसा लगा लगेगा कि अब वो स्वर्ग में आ गए, पर ये चीज चलने वाली नहीं है। कनेक्शन पक्का होना चाहिए, और इसलिए आप कृपया सब लोग आए। वहां भी कोई रुपया पैसा देने का नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समय देना होगा बस, और उसके बाद आप अपने बारे में पूरी तरह से जान लीजिएगा कि आप क्या है। वहां आपको सब कुछ बता देंगे, सारा ज्ञान और उसका परताला है, परताला है, टेंजिबल, साइंस के जरिए पूरा टेंजिबल है। सो इस ज्ञान को आप प्राप्त करें। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।